टू इजी एस आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एस ऑन एयर पोल्यूशन तो देखिए पोल्यूशन क्या होता है हिंदी में प्रदूषण कहते हैं जो हम लोगों को हवा में या नाली में या सड़क पे जो गंदगी दिख रही है वो पोल्यूशन ही तो है तो ऐसे एयर पोल्यूशन पे हम देखते हैं पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटीरियल इन टू दिनवायरमेंट हमारे एनवायरमेंट में अगर हार्मफुल अनवॉटेड चीजों का इंट्रोडक्शन हो जाता है ना खराब चीजें हमारे एनवायरमेंट में आ जाती है तो उसी को हम लोग पोल्यूशन कहते हैं दीज हार्मफुल मटीरियल कैन बी कॉल्ड पोल्यूटेंट्स ये गंदगी है कह सकते हैं। natural, as जब हैं सच जब फटते तो उसमें से ना कुछ एश है तो वो जो है वो भी पोल्यूशन का काम कर सकती है और activity, और ऑल्सोडीज या फिर प्लास्टिक है ना अच्छा एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग तो या फिर फैक्ट्रीज पोल्यूट करती हैं पोल्यूशंस पोल्यूटेंट्स डैमेज क्वालिटी ऑफ एयर वाटर एंड लैंड तो हवा पानी ज़मीन हर चीज़ की क्वालिटी को पोल्यूटेंट्स जो है वो ख़राब करते हैं पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं जैसे कि जो प्लास्टिक हो गई है ना और फिर उसके बाद ये जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज़ में से व्हीकल्स में से ये सारे के सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं सो एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर टाइप ऑफ पोल्यूशन अब आगे देखते हैं अर्लियर द एयर वी ब्रीथ इन यूज टू सॉरी uh, इन नहीं आएगा अर्लियर द एयर वी ब्रीथ इज़ यूज टू बी प्योर एंड फ्रेश पुराने समय में प्योर फ्रेश एयर होती थी बट ड्यू टू इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ पॉइजनस गैसेज इन द एनवायरमेंट द एयर इज गेटिंग मोर एंड मोर टॉक्सिक डे बाई डे तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है जैसे कि ज्यादा साथ, साथ इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो बहुत ही जहरीली गैसेज वो इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा पोल्यूट होता जा रहा है ऑल्सो दीज गैसेज आर द कॉज ऑफ मैनी रेस्पायरेटरी एंड अदर डिजीजेज सांस लेने की बीमारी भी हो सकती है और दूसरी बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं पोल्यूशन की वजह से मोर ओवर द रैपिडली इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फोसील फ्यूल डिफॉरस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है पेड़ जो हम लोग काट रहे हैं और फोसिल फ्यूल जैसे कि कोयला वगैरह जला रहे हैं ये मेजर कॉज होते हैं एयर पोल्यूशन के तो हाउ एयर गेट्स पोल्यूटेड कैसे कैसे होती है तो फोसिल फ्यूल फायर वोड अदर थिंग्स दैट वी बर्न प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन विच गॉट रिलीज इन द एटमोसफेयर तो जो हम लोग लकड़ी जलाते हैं कोयला ये सब चीज़ें जलाते हैं ना तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हमारे एटमोसफेयर में रिलीज होती है और उसकी वजह से हमारा एटमासफेयर काफ़ी ख़राब हो जाता है अर्लियर देयर हैपन्स टू बी लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज विच कैन ईजिली फिल्टर द एयर वी दिन पहले बहुत सारे पेड़ होते थे तो वो जो हवा साफ हो जाती थी बट विद इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड द पीपल स्टार्टेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विच कॉज डिफॉरेस्टेशन तो लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ दैट अल्टीमेटली रिड्यूस द फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्री ऑफ़ द ट्रीज तो जो पेड़ पहले हवा को साफ़ कर देते थे, थे अब पेड़ ही गम हो गया तो हवा को साफ कैसे करेंगे मोर ओवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेज द नंबर ऑफ फोसील फ्यूल बर्निंग वहीकल इंक्रीज रेपिडली विद द इंक्रीज विद इंक्रीज़ द नंबर ऑफ पोलूटेंट्स इन द ईयर तो वहीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हमारी सड़कों पर इससे हमारे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है अब कॉजेज़ क्या क्या हैं तो वही बर्निंग ऑफ फोसील फ्यूल स्मोक वॉल्केगैनिक करपशन और फॉरेस्ट में फायर लग जाती हैं है ना आ, बहुत ज़्यादा Uh, हवा गंदी हो रही है इन सब की वजह से एस्ट्रॉइड्स क्लोरोफिलो ये सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं इनमें से दो तीन आप याद कर लीजिए और एग्जाम में लिख दीजिएगा बढ़िया रहता है इरप्शंस हो गए स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज़ और फॉरेस्ट फायर चाहे बम्बारमेंट छोड़ दीजिए फिर ये क्लोरोफिलो कार्बन ऑक्साइड और भी बहुत सारे एयर पोल्यूशन का कारण होते हैं और इससे हमारे जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट ये सब जो होता है थर्मल न्यूक्लियर प्लांट्स ये भी काफ़ी गंदगी फैलाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन बिकॉज एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस द गैस दैट ग्रीन हाउस इन्वॉल्वस तो बिसाइड्स इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ़ द अर्थ सो मच दैट द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग एंड मोस्ट ऑफ द यू वी रेज एंड आर इजीली पेनिट्रेटिंग द सर्विस ऑफ द अर्थ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा तो गर्मी बढ़ती है तो क्लोरो फ्लोरो जैसी जो गैसेज हैं वो एटमोसफेयर में ऊपर जाती जाती हैं और क्या करती है इसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वो एक जगह पर ज़्यादा कंसनट्रेट हो जा रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस में हमारे गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ हमारी हेल्थ पे भी इसका बहुत इफेक्ट गंदा इफेक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन हैज़ मनी बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ़ पीपल इट इज़ द कॉज ऑफ मनी स्किन एंड रेस्पिटरी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स ऑलसो इट कॉजेज हार्ट डिसीज़ टू एयर पोल्यूशन काजेज अस्थमा ब्रोंकाइटिस एंड मैनी अदर डिसीज तो बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं मॉर ओवर इट इंक्रीज द रेट ऑफ एजिंग ऑफ लंगस डिक्रीज लंग्स फंक्शन डैमेज सेल्स इन द रेस्परेटरी सिस्टम काफ़ी सारे सेल्स को भी ये डैमेज कर देता है हमारी बॉडी के एयर पोल्यूशन अब रिड्यूस वे टू रिड्यूस किस तरीके से हम लोग एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ऑल द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन हैज़ रीच अ क्रिटिकल पॉइंट बट देर आर स्टिल वेज बाई विच वी कैन रिड्यूज द नंबर ऑफ एयर पोल्यूटेड फ्रॉम एयर हवा से गंदगी हम लोग अभी भी साफ़ कर सकते हैं रिफॉरेस्टेशन मतलब आप दोबारा से पेड़ लगाइए पॉलिसी फॉर इंडस्ट्रीज तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉर इंडस्ट्री रिलेटेड टू द फिल्टर ऑफ गैसेज शुड भी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्रीज सो वी कैन मिनिमाइज द टॉक्सिंस रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज तो फैक्ट्री से जो गंदगी निकल रही है वो कम से कम निकले इस तरीके की पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए और क्या कर सकते हैं आप यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल जो फ्यूल आप इस्तेमाल करते हैं वो इको फ्रेंडली हो जैसे कि गैस का इस्तेमाल करें एल का सी का बायोगैस और अदर इको फ्रेंडली फ्यूल्स का इस्तेमाल करें ताकि जो टॉक्सिक गैसेज निकल रही हैं वो ना निकले जैसे कि आप जैसे पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत धुआं निकलता है और इन्वायरमेंट और ज़्यादा पोल्यूट होता है टू समट अप वी कैन से दैट एयर वी ब्रीथ इज़ गेटिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड डे बाई डे द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन To the increase in air pollution is of fossil fuel, which produce nitric and sulfuric oxide. But humans have taken this problem seriously and are devotingly working to eradicate the problem that we have created. Above all, many activities like plant trees, use of eco friendly fuels are promoted worldwide. So, we will do फोसिल फ्यूल का कम से कम इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इको फ्रेंडली फ्यूल जैसे कि सी एन जी एल पी जी सोलर एनर्जी इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे फ्यूचर में हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए थैंक यू